एक अनोखा मिलन। वो रेलवे स्टेशन पर बैठकर फोन चला रहा था, तभी एक सुंदर सी महिला उसके बराबर में आकर बैठ गई। जैसे ही उसने महिला को देखा तो उसे देखता रह गया और मन में सोचने लगा कि ये तो वही है जो कभी मुझे शिद्दत से चाहती थी, लेकिन मेरी किस्मत में नहीं थी। उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और कर दी थी। उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर महिला ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, वो अपना टिकट देख रही थी। तभी वो बोल पड़ा, राधा। अचानक उसका किसी ने नाम लिया तो वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें उस शख्स पर टिका दी, मानो कुछ कहना चाह रही हो। वो बोला, अरे मैं सुबोध हूँ, नहीं पहचाना क्या? हाँ पहचान लिया, लेकिन ये क्या हाल बना रखा है, बाबाओं जैसी दाढ़ी। हाँ मैं बहुत बदल गया हूँ, लेकिन इन 5 सालों में तुम बिल्कुल नहीं बदली। वैसे अकेली यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पति और बच्चे कहाँ हैं? वो उदास हो गई और बोली, बच्चे नहीं हैं, और पति ने शादी के 2 साल बाद ही मुझे छोड़ दिया किसी और लड़की के लिए। अब मैं अकेली ही रहती हूँ। वैसे तुम बताओ, तुम्हारी पत्नी और बच्चे कैसे हैं? और तुमने मेरी शादी के बाद गांव क्यों छोड़ दिया? मैंने शादी नहीं की और गांव मैंने नहीं छोड़ा। तुम्हारे घर वालों ने मजबूर कर दिया था गांव छोड़ने के लिए। अब मैं इसी शहर में रहता हूँ, माँ के साथ और यही नौकरी करता हूँ। वो रोने लगी। तभी उसकी ट्रेन आ गई तो वह जाने लगी। तभी सुबोध ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ये ट्रेन छोड़ दो, दूसरी ट्रेन से चली जाना, थोड़ी देर और बैठ जाओ मेरे पास। उसने पीछे मुड़े बिना ही कहा कि अब थक गई हूँ, अकेले चलते चलते हमेशा के लिए रोक लो ना। फिर दोनों रोने लगे और एक दूसरे को बाहों में भर लिया। ऐसे ही और पोस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।